हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज है एक्चुअली में 4 अक्टूबर, और अभी एक्चुअली में ना रात का 10 बज रहा है, और मैं 10 बजे व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी व्लॉग सब अपलोड किया और उसके बाद फिर मैं अभी फ्री हूँ। अगर गाइस आप लोग चैनल में नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा नाम है अमन, आप लोग देख रहे हो अमन कुमार व्लॉग्स। जो पहले से सब्सक्राइबर्स हैं उनको वेलकम बैक। अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो गाइस वेलकम। गाइज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ अभी, क्योंकि गाइज आज मेरे को बहुत सारा काम है। अभी मैं कुछ कुछ करूंगा, लेकिन उससे पहले गाइज मैं चाय पीऊंगा, क्योंकि मेरे को चाय पीना है। चलो चाय बनाते हैं। चाय पियोगे क्या मम्मा? हाँ बोले कि ना बोले? हाँ हाँ ठीक है। तो गाइज जो मैं कप लाया था ना, उसका मैं उद्घाटन कर दिया हूँ। उसमें हम लोग कप चाय पीना चालू कर दिया, और उसको लिटरली मैं धोके भी नहीं रखा। गाइज एक कप मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब कि मेरा फेवरेट कप बन गया जैसे ही मैं देखा। और ये ब्लैक वाला अच्छा नहीं है, जो आप लोग अगर कल व्लॉग में देखे होगे ना, तो वो वाला अच्छा नहीं था कप, ब्लैक वाला अच्छा नहीं है। मे बी मैं इसको चेंज करा दूंगा, लेकिन मैं चेंज क्यों कराऊंगा, क्योंकि अब दे दिया है, धोखा कर दिया है, तो अब क्या बोल सकते हैं। ये है मेरी बची हुई की शाम की चाय, और देखते हैं अभी हो पाता है कि नहीं 2 कप मम्मी और मेरे लिए, क्योंकि 2 कप तो होना चाहिए तभी हो पाएगा। मम्मी आपके लिए नहीं हो पाएगा, मेरे लिए आधा कप है तो मम्मी के लिए नहीं हो पाएगा। मम्मा आपके लिए नहीं हो पाएगा। ओके तो आप लोग सोच रहे हो अमन तू रात में 10 बजे चाय क्यों पी रहा है। गाइस चाय इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप लोग चाय लवर हो ना, तो आप लोगों को पता होगा कि चाय कितना इंपॉर्टेंट रखता है, और चाय के बिना कुछ नहीं हो सकता। गाइस इतना चाय पत्ती मेरे घर में 5 बार निकलता है, इतना चाय पत्ती देख रहे हो, इतना चाय पत्ती। मेरे को डर लगता है इसको एक्चुअली में जलाने में। यार बंद करो बंद करो, अब चालू करते हैं इसको, राइट हैंड से जलाता हूँ। और यार मम्मी गैस नहीं जल रहा, जला जला जला। हाँ जल जाएगा भाई, इतना तेज में रखूंगा तो। यार मम्मा चाय मैं बनाता हूँ, आप धो दिया करो ना कम से कम कप तो। गाइस चाय तो आ गई है मेरी, और मेरे को ना अब कुछ कुछ काम है जो कि मैं चाय पीते पीते करूंगा, और मेरे को कुछ कुछ भेजना है जो कि एक्चुअली में मैं व्लॉग बना के ही भेजूंगा। वो कॉलेज का कुछ कुछ काम है, मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी क्या क्या काम है। तो आप लोग वेट करो, मैं आता हूँ चाय ट्रांजिशन आज। गाइस ये हमारे घर में पिछले 1 महीने से ऐसी पड़ा हुआ है जिसका कुछ काम नहीं है, जियो फाइवर, और बस ये पड़ा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि इसको लगवा लूँ, और ये ना बहुत बड़ा दिखता है, बहुत ज़्यादा बड़ा। इसको इस महीने एक्चुअली में मैं नहीं करवाया रिचार्ज, क्योंकि मेरे पास नेट था, और मैं देख रहा था कि मैं 1 महीना बिना इसके व्लॉग अपलोड कर पाता हूँ कि नहीं, तो व्लॉग तो अपलोड हो जाता है इजीली। मैं सोच रहा हूँ कि इसको चार्ज करवा लेता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। मेरे कॉलेजेस का काम रहेगा, ईमेल्स जैसे भेजना है मेरे को, ईमेल मेरे को, और बाकी सब काम रहता है वो सब भेजना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जियो फाइबर को करवा लेता हूँ रिचार्ज, 30 Mbps का करवाऊंगा, जो कि एक्चुअली में 399 का, मतलब 400 रुपये। तो मम्मी का एक्चुअली में चार्ज नहीं होगा नेट का, जियो फाइबर रिचार्ज करवाना है, मम्मी का खत्म हो रहा है। करवा ले, UPI कर दोगे आप अभी? अच्छा चिंटू करेगा। तो गाइस हम लोग दिमाग लगाए जैसे कंपनी वाले दिमाग लगाते हैं, अपन लोग बोले कि अपन करेंगे रात के 12 बजे के बाद, क्योंकि अभी 10:30 हो गए। अगर अभी कर दूंगा मैं तो फिर ये चार काउंट हो जाएगा, एक्चुअली में आज 4 तारीख है, वो भी काउंट हो जाएगा, तो फिर 4 तारीख को आएगा मेरा महीना। तो फिर 5 तारीख का करेंगे, रात के 12 बजे के बाद करेंगे, तो फिर वो 12 बजे तक ही गिनाएगा, तो फिर ये सही रहेगा कि मैं व्लॉग अपलोड कर सकता हूँ। ट्राइपॉड गिरना मत बस भाई, गिरना। वैसे गाइस आज का मेरा ये सब है टू डू लिस्ट, सेंड मेल टू मैम M2, रीड 1 आवर, डिनर, फिर सब्सक्राइब। गाइस मैंने सच में आज तक किसी को मेल नहीं भेजा हूँ, मैं मेल भेज दिया हूँ, अब नहीं पता उसमें देखते कैसे कि सेंड हुआ है कि नहीं। तो फिर ये मेरा पहला वाला ना सेंड मेल टू मैम, ये वाला डन हो गया। अब ये रीड 1 आवर जो है इसको मैं बाद में करूंगा एक्चुअली में, और मैं इसमें एक्चुअली में कैप्शन लिखना भूल गया, जो मेरा सेकंड काम कैप्शन का था, वो कैप्शन का अभी मैं करूंगा, क्योंकि कैप्शन ज्यादा जरूरी है मेरे ब्लॉग में, क्योंकि मेरी जो फॉरेन की ऑडियंस है उन लोग मार देते हैं मेरे ऑडियंस रिटेंशन की, सिर्फ 1 मिनट आता है। पहले मेरे ब्लॉग्स में 10 मिनट के ब्लॉग्स में 4-5 मिनट आता था ऑडियंस रिटेंशन, बट अब तो भाई 1 मिनट का हो गया। किस्मत है मेरी किस्मत। माय गॉड गाइस मैं भी आया हूँ, मतलब कि सिर्फ मेरे 1 मिनट का डन हुआ कैप्शन, और भाई 8 मिनट का व्लॉग है, ये तो छोटा ही था कम से कम व्लॉग,
लेकिन बाकी सब व्लॉग्स 10-11 मिनट के रहते हैं गाइज। इसमें कैप्शन डालना मतलब बहुत कंजट का काम है, मैं आधे घंटे से बैठा हूँ और सिर्फ 1 मिनट हुआ है। जल्दी ट्राई करेंगे, एक बार आदत बन जाएगा जल्दी से तो फिर जल्दी से हो जाएगा। तो एक्चुअली मेरा मैं बड़ा काम कर रहा हूँ मतलब कि बड़े तरीके से, क्योंकि ऐसे नहीं हो जाता है, फ़ोन से कर रहा हूँ मैं। पहले मैं कॉपी में लिख ले रहा हूँ पूरा कि यहाँ से इतने में ये स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है, इतने में ये खत्म हो रहा है, फिर ये सबको मैं डाल रहा हूँ उसमें, लिख के पूरा टाइप कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे पहला लिखना, फिर उसको सुनना कि मैं हिंदी में क्या बोल रहा हूँ, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना, उसके बाद फिर गाइज अभी 12:15 हो रहा है, 12:13 नहीं पता मैं लास्ट टाइम व्लॉग कब स्टार्ट किया था। और अभी एक्चुअली में मेरा सिर्फ 3 मिनट का काम खत्म हुआ है और 5 मिनट बचा है। भाई इसमें इतना चलो ज़्यादा मैं उसको टाइम लॉक कर लगता दिया, है, उसको नहीं दिखेगा। बट अब गाइस को भूख लग रहा है और मैं खाऊंगा अब खाना। क्या क्या काम हुआ है मेरा, बस एक ही काम हुआ है, कैप्शन का भी काम नहीं हुआ है। वो जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक मैं सोने वाला नहीं हूँ। गाइस अभी बज रहा है दोपहर का 1 और अभी मैं सो के उठा हूँ आधे घंटे पहले, और मैं अभी बिस्तर में ही था, अभी मैं लेटा हुआ था। गाइस मेरे को ना अभी भी बहुत ज़्यादा नींद टाइप्स आ रहा है, तो अब सबसे पहले मैं चाय बनाऊंगा क्योंकि चाय इंपॉर्टेंट है बहुत। गाइस ये रही अपन की चाय की गंजी, ये पापा लोग की रहती है, इसमें मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं करता हूँ, मैं अपना नया बनाता हूँ। गाइस मैंने चाय तो चढ़ा दी है, अब मैं ब्रश करके आता हूँ 5 मिनट में। चाय आ गई है, मैं ब्रश भी कर लिया, नाश्ता भी कर लिया, और मैं आधा ना चाय इसका कप के कारण पी रहा हूँ, क्योंकि कप मेरे को इतना पसंद आया कि मैं इसमें पी जा रहा हूँ। बस इसका ये खराब बात है कि ठंडा बहुत जल्दी हो जाता है चाय, और इसमें पीते हैं तो सिप ना यहाँ यहाँ से गिरने लगता है चाय अगल बगल से। तो यही था गाइज आज का व्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ कल नए व्लॉग में, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय द वे बाय बाय, टेक केयर, फिर।